मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके की रहने वाली एक नवविवाहिता को दहेज मांगे जाने का विरोध करने पर तीन तलाक का मामला सामने आया है। जुलाई 2017 में मुरादाबाद की रहने वाले युवक से निकाह हुआ था। पीड़िता के अनुसार उससे एक कार और 10 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसका विरोध करने पर नवंबर 2017 में तलाक देकर पीड़िता को घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 5 के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन दर्ज मुकदमे में पीड़िता द्वारा 3 तलाक का जिक्र तक नहीं किया गया। पीड़िता अपने मायके में रह रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कोई अधिकारी अभी कुछ नहीं बोल रहा। यह है कि मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके में दौलतबाग की रहने वाली वरीशा, जिसका निकाह 17 जुलाई 2017 को मुरादाबाद थाना मुगलपुरा के लालबाग में रहने वाले शानुल हक से हुआ था। वरीशा के परिवार वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के 2 महीने के बाद ही वरीशा का पति और उसके ससुराल वाले उससे दहेज में एक कार और 10 लाख की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे, जिसका विरोध करने पर पीड़िता के अनुसार उसके पति शानुल ने 26 नवंबर 2017 को दिन में 11 बजे 3 तलाक देकर वरीशा को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने अपने मायके आकर पूरी बात बता दी, जिसके बाद परिजनों ने मामले को सुलझाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई हल ना निकलते देख शानुल और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़िता का कहना है कि मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही और अब नया कानून बन गया है, जिससे कुछ उम्मीद जगी है कि उसे न्याय मिलेगा और किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होगी। खास बात यह है कि पीड़िता 3 तलाक की बात तो कह रही है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें कहीं भी तलाक का जिक्र नहीं किया गया। मुकदमा वरीशा की तरफ से लिखा गया है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 717/17 है और धारा 498A-420 दहेज उत्पीड़न अधिनियम की धारा 3 व 4 में दर्ज है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कोई आला अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहा। क्या नाम है आपका? वरीशा। वरीशा जी, क्या हुआ ये आपका जो तलाक हुआ है, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है, कुछ दिनों से मैं सही रही, 15 दिन के बाद मूड खराब होने लगा, कहने लगे है ना मुझे कार नहीं मिली है, तो मैंने कहा गाड़ी तो दी है, बोले गाड़ी दी तो मम्मी तो कार चाहिए थी, तो फिर सास ननद कहने लगे बोले हम तो सोच रहे थे कार चाहिए थी हमें तो, नहीं तो हमें 10 लाख रुपये ला के दो, नहीं तो कार दो नहीं तो हमें 10 लाख रुपये ला के दो, और टॉर्चर करते थे बहुत, कहते तुम्हारे तो इंजेक्शन लगाऊंगा, तो मैं तो छोड़ के ही रहूंगा, लड़कियों के फोटो दिखाते थे मोबाइल में, आवाज़ें सुनाते थे, सास ननद बहुत परेशान करती थी कम के ऊपर के घर का काम नहीं करती, ये ना करती वो नहीं करती, हर वक्त सोती रहती हूँ ये करती रहती हूँ, और जबकि सारा दिन मुझसे काम कराती थी, पूरा दिन हो जाएगा 10 लाख रुपये। तलाक की वजह क्या रही, यही माने? हाँ यही रही तलाक की वजह, सारा कमरे में बंद करके रहती थी मैं तो, ऐसा कर दिया था मुझे कैद, बिल्कुल इकली रहती थी, पूरा दिन इकली रहती थी, नीचे उतरने भी नहीं देती थी नन। कब दिया है तलाक? इसी महीने में दिया है। 3 तलाक? जी, 3 बार तलाक तलाक कह के सोचा ने रिक्शा में बिठा के और भेज दिया, वाले तुम्हारे घर वाले तुम बुला रहे धोखे से भेजा मुझे। आपने पुलिस में कंप्लेंट किया? जी करवाई है कंप्लेंट। मुकदमा दर्ज हो गया? हो गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? अभी नहीं करी है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है नया कानून जो है बन रहा है? बहुत सही रहा है, बहुत अच्छा है, लड़कियों को इंसाफ तो मिलेगा कम से कम, दूसरों की जिंदगी तो खराब तो नहीं करेगा यार, दूसरी लड़कियों की पहले भी शादी शुदा थे, ये सुना है पहले शादी कर चुके हैं, बाप ने 3 करी, भैया ने 2 करी, अभी इनका भी ये सुना कि दूसरी थी, शानुल ने पहले लड़की मंगा के लिए आए थे, हमें बताया नहीं, हमें धोखे में रखा, हमें शादी के बाद में पता चला। क्या चाहती हो? हम चाहते मुझे इंसाफ मिले।